हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार पटेल आप सभी का मेरे चैनल विक्ट्री विद पटेल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिलासपुर संभाग के अंतर्गत रायगढ़ जिले के विस्तृत तथ्यों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं रायगढ़ जिले के बारे में। तो रायगढ़ जिले का गठन 1948 में हुआ था। वर्ष 1948 में रायगढ़ जिले का गठन हुआ था। रायगढ़ जिले की अगर बात करें तो गठन वर्ष 1948 में रायगढ़ जिले का गठन हुआ था, और इससे पहले रायगढ़ जिला एक रियासत था। 1948 से पहले रायगढ़ जिला एक रियासत था। अगर जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो रायगढ़ जिले का जिला मुख्यालय रायगढ़ ही है। साथ ही साथ देखते हैं कि रायगढ़ जिले के समीपवर्ती अगर जिला कौन कौन सा है, तो समीपवर्ती अगर जिला देखें तो रायगढ़ जिले के नॉर्थ साइड में जसपुर जिला, साथ ही साथ सरगुजा जिला, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार और महासमुंद, इन जिलों की सीमा रेखा को रायगढ़ जिला स्पर्श करती है। साथ ही साथ देखें कि रायगढ़ जिला अपने समीपवर्ती किन राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है, तो रायगढ़ जिला अपने समीपवर्ती एकमात्र राज्य ओडिशा की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। इसी तरह हमने देखा, आगे अगर एक कदम और आगे जाएं तो रायगढ़ जिले में विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो रायगढ़ जिले में 5 विधानसभा सीट है। इस 5 विधानसभा सीट में 2 विधानसभा सीट एसटी रिजर्व और 1 विधानसभा सीट एससी रिजर्व है। जिसमें से बात करें अगर एसटी, तो धरमजयगढ़ और लैलूंगा, ये 2 विधानसभा क्षेत्र एसटी रिजर्व हैं रायगढ़ जिले के अंतर्गत। और साथ ही साथ अगर बात करें एससी, तो सारंगढ़ एक एससी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ अन्य 2 विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो रायगढ़ और खरसिया, मिला के 5 विधानसभा क्षेत्र रायगढ़ जिले के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो रायगढ़ एक लोकसभा क्षेत्र भी है, जहां से भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद श्रीमती गोमती साय यहाँ से अभी सांसद हैं रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो 11 लोकसभा क्षेत्र है, जिनमें से एक अभी रायगढ़ जिले के अंतर्गत है और 4 एसटी रिजर्व हैं, जिनमें से ये लोकसभा क्षेत्र रायगढ़ एसटी रिजर्व है, जहाँ से गोमती साय अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। साथ ही साथ अगर आगे चल के देखें तो रायगढ़ जिला केलो नदी के तट पे स्थित है और साथ ही साथ रायगढ़ जिला को शैलाश्रयों का जिला भी कहा जाता है। शैलाश्रयों का जिला भी कहते हैं। ये याद करने वाली बात है कि रायगढ़ जिला को शैलाश्रयों का जिला भी कहा जाता है, क्योंकि रायगढ़ जिले में ही सबसे ज़्यादा शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इसी संदर्भ में रायगढ़ जिले को शैलाश्रयों का जिला कहा जाता है।
आइए आपको पुनः जोड़ने की कोशिश करूं तो रायगढ़ जिले का गठन 1948 में, वर्ष 1948 में हुआ और इससे पहले रायगढ़ जिला एक रियासत था। साथ ही साथ देखें तो जिला मुख्यालय रायगढ़ ही है और समीपवर्ती अगर जिला देखें तो रायगढ़ जिला अपने समीपवर्ती जसपुर, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार और महासमुंद जिले की सीमा को स्पर्श करती है। साथ ही साथ देखें कि समीपवर्ती राज्य ओडिशा, एकमात्र ओडिशा राज्य की सीमा रेखा को रायगढ़ जिला स्पर्श करती है। आगे अगर चलें तो विधानसभा सीटों की संख्या रायगढ़ जिले में 5 है, जिनमें से 2 एसटी और 1 एससी रिजर्व है। एसटी की अगर बात करें तो धरमजयगढ़ और लैलूंगा 2 एसटी रिजर्व विधानसभा क्षेत्र हैं और साथ ही साथ सारंगढ़ 1 एससी रिजर्व विधानसभा क्षेत्र है। और अन्य दो की बात करें तो खरसिया और रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे देखें लोकसभा क्षेत्र, तो रायगढ़ एक लोकसभा क्षेत्र है और ये एसटी अनुसूचित जनजाति रिजर्व लोकसभा क्षेत्र है, जहाँ से भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोमती साय जी हैं। साथ ही साथ अगर बात करें मुख्य तथ्यों के बारे में तो रायगढ़ जिला केलो नदी के तट पर स्थित है। कई बार पूछा जाता है कि रायगढ़ जिला या अन्य शहरों की अगर बात करें मुख्य रूप से तो कौन से नदी के तट पर स्थित है, अगर उनके तट में नदी है तो, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो ये याद रखना है कि रायगढ़ जिला केलो नदी के तट पर स्थित है। साथ ही साथ रायगढ़ जिला को शैलाश्रयों का जिला भी कहा जाता है। तो आइए आगे और देखते हैं हम लोग रायगढ़ जिले को, हम लोग मैप के थ्रू उनके तथ्यों को लंबे समय के लिए मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। रायगढ़ जिले का अगर मैप बनाना चाहें तो किसी कुछ इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो नहीं, मगर कुछ इस तरह से रायगढ़ जिला दिखेगा हमें, जहां से एक नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो नेशनल हाईवे 49 रायगढ़ जिले में आता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो नेशनल हाईवे 153 रायगढ़ जिले से ही क्रॉस होगी। अगर लंबाई की बात करें तो नेशनल हाईवे 49 की लंबाई 196.6 किलोमीटर और नेशनल हाईवे 153 का 86.8 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। साथ ही साथ जगहों को अगर देखें तो रायगढ़ जिला में हमें बोराई नदी सीमा रेखा बनाएगी, बोराई नदी। साथ ही साथ अगर बात करें तो बोतलदा की गुफा, आगे जाएं तो खरसिया, इसी खरसिया तहसील के अंतर्गत हमें मिलेगा तारापुर और तेलीकोट। आगे अगर बढ़ते हैं तो हमें मिलेगा रॉबर्टसन, सिंघनपुर की गुफा। साथ ही साथ अगर आगे बढ़े हमें तो सिंघनपुर की गुफा के साथ साथ हमें मिलेगा राम झरना और किरोडीमल, रायगढ़ और कबरा पहाड़। इन जगहों को हम लोग वन बाय वन डील करते चले जाएंगे। साथ ही साथ अगर देखें तो रायगढ़ जिले से अगर ऊपर चले जाएं तो हमें मिलेगा घर घोड़ा, से आगे चले जाएं तो धरमजयगढ़ और इधर चले जाएं तो लैलूंगा। घरघोड़ा से धरमजयगढ़ के बीच में अगर देखें तो ओंगना, बसनाझर, कर्मागढ़ जगह मिलेगा हमें।
गारे पेलवा, तमनार और यहीं पे लुड़ेंग की पहाड़ी। लुड़ेंग की पहाड़ी। इसी तरह अगर आगे देखें तो एक रास्ता इस तरह से हमें मिलेगा, सारंगढ़। सारंगढ़ आगे गए तो हमें मिलेगा पुसौर, तिलईपाली, लारा, सरिया, बार, देगांव, बरमकेला, पुजारी पाली और कुमर्दा अभयारण्य मिलेगा। गोमर्दा अभयारण्य मिलेगा। साथ ही साथ देखें अगर नदियों की अगर बात करें तो तीन नदियों का संगम है जांजगीर चांपा जिले में, मगर उन तीन नदियों में से जो नदी है वो रायगढ़ जिले से भी क्रॉस होगी, जिसमें अगर बात करें तो लात नदी रदन की पहाड़ी सरायपाली से, उसी तरह महानदी आगे निकलेगी, महानदी और सरगुजा मेन पार्ट से मांड नदी अगर देखेंगे, मांड नदी तो रायगढ़ जिले में प्रवाहित होती है। तो इस तरह से हम जगहों को अगर अच्छे से याद कर लें तो उनसे रिलेटेड फैक्ट हमें आसानी से याद करने में आसानी भी होगी और लंबे समय के लिए मेमोराइज भी रहेगा। तो इस तरह से देखें तो एक नेशनल हाईवे, जगहों को देखें तो बोतलदा की गुफा, खरसिया, तारापुर तेलीकोट इसी के अंतर्गत, रॉबर्टसन, सिंघनपुर की गुफा, राम झरना, किरोड़ी मल और रायगढ़, साथ ही साथ कबरा पहाड़। नीचे चले जाएं तो पुसौर, तिलईपाली, लारा, सरिया, बरमकेला और बीच में देखें तो बार, देगांव, पुजारी पाली, गोमर्दा अभयारण्य। आगे चले जाएं तो घरघोड़ा, ओंगना, बसनाझर, करमागढ़ और धर्मजयगढ़, साथ ही साथ तमनार, गारे पेलमा, लैलूंगा और इसी लैलूंगा के अंतर्गत हमें मिलेगा लुड़ेंग की पहाड़ी और इसी लुड़ेंग की पहाड़ी से हमें एक नदी केलो नदी का उद्गम है, जो कि केलो नदी का उद्गम है जो कि उड़ीसा में जाके महानदी में समाहित हो जाती है और इसी केलो नदी के तट पे रायगढ़ शहर स्थित है। तो आइए और तथ्यों को वन बाय वन देखते चले जाएं। अगर नेशनल हाईवे की अगर बात करें, नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे 49 और नेशनल हाईवे 153 लंबाई की बात करें तो 196.6 किलोमीटर और 86.8 किलोमीटर है नेशनल हाईवे 153 की। 153 रायगढ़ से सरायपाली के बीच में है और ये तो आ ही रहा है, बिलासपुर से नेशनल हाईवे 49, इसकी लंबाई 196.6 किलोमीटर। साथ ही साथ देखें तो बोरे नदी बॉर्डर बनाते हुए आगे चलते हैं तो देखें बोतलदा की गुफा। बोतलदा की गुफा की बात करें तो ये पाषाणकालीन गुफा है। बोतलदा की गुफा पाषाणकालीन है और साथ ही साथ पाषाणकालीन सबसे लंबी गुफा है। साथ ही साथ गुप्तकालीन सूर्य मंदिर के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। बात करें बोतलदा की गुफा की तो बोतलदा की गुफा पाषाणकालीन सबसे लंबी गुफा है। यहाँ से गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं हमें, गुप्तकालीन सूर्य मंदिर के अवशेष मिले हैं तो बोतलदा की गुफा। आगे अगर बढ़ें तो हमें खरसिया मिलेगा। अगर खरसिया की बात करें तो खरसिया एक विधानसभा क्षेत्र भी है। खरसिया विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा
क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, और इस विधानसभा क्षेत्र से माननीय उमेश पटेल जी अभी कैबिनेट मंत्री हैं। 2020 की स्थिति में अभी उमेश पटेल खरसिया विधानसभा क्षेत्र से कैबिनेट मंत्री हैं। और इनके पास अगर मंत्रालय की बात करें तो उमेश पटेल के पास उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साथ ही साथ खेल मंत्रालय, जनशक्ति नियोजन, कौशल विकास एवं जनशक्ति नियोजन, ये सारे मंत्रालय उमेश पटेल जी के पास हैं। खरसिया विधानसभा क्षेत्र से मंत्री हैं उमेश पटेल, और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल, कौशल विकास एवं जनशक्ति नियोजन इनके पास, उमेश पटेल जी के पास हैं, यह मंत्रालय है। साथ ही साथ अगर देखें तो खरसिया तहसील के अंतर्गत हमें तारापुर एक जगह मिलेगा। इसी तारापुर से हमें मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, और यह सिक्के चांदी के आहत सिक्के हैं, और 15 चांदी के आहत सिक्के मौर्यकालीन हमें तारापुर से प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ देखें तो यहीं पर है तेलीकोट से हमें कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं तेलीकोट से। इस तरह से हमने पुनः आपसे जोड़ने की कोशिश करूं तो खरसिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तारापुर से हमें मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, और यह मौर्यकालीन सिक्के चांदी के आहत सिक्के हैं। 15 चांदी के आहत सिक्के हमें तारापुर से प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ इसी के अंतर्गत तेलीकोट की अगर बात करें तो तेलीकोट में हमें कुषाणकालीन सिक्के तेलीकोट से हमें प्राप्त हुए हैं। आगे अगर बढ़ें तो हमें मिलेगा रॉबर्टसन आगे अगर बात करें तो हमें मिलेगा रॉबर्टसन आगे बात करें तो जगह मिलेगी रॉबर्टसन अंग्रेजकालीन आर्किटेक्ट थे, और इसी जगह पे इनकी मृत्यु होने के कारण इन्हीं के नाम पे इनका नाम पड़ा रॉबर्टसन। और यहाँ पे मोनेट का प्लांट है रॉबर्टसन में। रॉबर्टसन नाम एक अंग्रेज आर्किटेक्ट का नाम था, जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई, यहीं इनकी मृत्यु हुई, और इनका नाम रॉबर्टसन के नाम पे इस जगह का नाम रॉबर्टसन रखा गया, और यहीं पे हमें मोनेट का प्लांट भी है। आगे अगर बढ़ें तो हमें मिलेगा सिंघनपुर की गुफा आगे अगर देखते हैं तो मिलता है सिंघनपुर की गुफा की अगर बात करें तो सिंघनपुर की गुफा पूर्व पाषाण काल से संबंधित गुफा है। यह सिंघनपुर की गुफा सबसे प्राचीन गुफा है, पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ पे शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और इस शैल चित्र में बात करें तो मानवाकृतियाँ साथ ही साथ डंडे और सीढ़ी के आकार में आखेट करता हुआ मानव
आखिर करता हुआ मानव के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, मानव के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इस तरह से देखें अगर तो सिंघनपुर की गुफा एक पूर्व पाषाण काल से संबंधित गुफा है, साथ ही साथ सबसे प्राचीन गुफा है और इस गुफा में हमें शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। शैल चित्र की अगर बात करें तो मानव आकृतियां शैल चित्र, साथ ही साथ डंडे और सीढ़ी के आकार में आखिट करते हुए मानव के शैल चित्र हमें सिंघनपुर की गुफा से प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से आगे को हम लोग देखते चले जाएंगे, डील करते चले जाएंगे। यह हमारे रायगढ़ जिले के पार्ट वन में है। चूँकि पूरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग इसको दो पार्ट में शूट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अगर वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने स्टडी सर्कल में शेयर कीजिए और इसी तरह के अपडेट अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।